हेलो गाइस, वेलकम टू जीपीएसटी किचन रेसिपीज़। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए राजस्थान की स्पेशल काचरे की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगी और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनकर रेडी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें। ये मैंने काचरी ली है, 1 पाव मैंने काचरी ली है और ये मैंने छील दी थी, 2 मैंने निकाल कर रख दी है। इसको भी हम छील लेते हैं। इसको इस तरीके से चाकू से घुमाते हुए हम छील लेंगे। इसको छीलने से नहीं छीलना है, इस तरीके से चाकू से छीलना है ताकि ये अच्छे से छील सके। ये मैंने सारे छीलकर रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा काट कर इसको चख लेंगे ताकि जो करवा होता है, थोड़ा सा इसमें करवे भी होते हैं, इसको हम चख कर फिर काटेंगे। इसको बराबर पीस में काट लेंगे सारे। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे अच्छे से काट कर रेडी कर लिए हैं, बड़े बड़े पीस। अब मैं एक चॉपर लिया है, इसमें हम 4 मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। आप अदरक लहसुन अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली है, इसको भी हम काट कर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे। ये मैंने सारा अच्छे से चॉप कर रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। तड़के के लिए मैंने कुछ पंचफोर्न ले लिए हैं और 2 बड़ी मिर्चें ले ली है रेड कलर की। अब इसको हम तड़का देंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल के डाल दिए हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम मेथी दाना और राई जीरा ऐसे करते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए सब डाल देंगे। इसको अच्छे से हम तड़कने देंगे। 2 से 3 सेकंड के अंदर ये अच्छे से क्रिकल हो जाएंगे, तब इसमें हम जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हमने चॉप कर रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। एक मिनट तक हम इसको अच्छे से कुक करेंगे, इनका जो भी कच्चा टेस्ट होगा वो खत्म हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे हम। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी आपके फैमिली मेम्बर्स इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली, ये मैंने कुटी हुई रेड चिली डाल दी है। आप कश्मीरी मिर्च डालना चाहे तो वो डाल दें, इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है मैंने। अब हम इसमें सूखा हुआ धनिया डाल देंगे 1 चम्मच जितना। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे, 2 से 3 सेकंड तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे नहीं तो ये जल जाएगा हमारा मसाला। अब इसमें हम काचरी डाल देंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 5 मिनट के अंदर अच्छे से अपनी भाप में पक जाएगा। ये अच्छे से हमारा कुक होकर रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब एक दाना हम इसको काट कर देखेंगे, अच्छे से कट रहा है, अच्छे से ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी मूंगफली का पाउडर मैंने बना कर रखा था कूट कर, इसका हम डाल देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा सा हम इसमें गुड़ डाल देंगे, आप चीनी भी डाल सकते हैं। ये खट्टा मीठा तीखा बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी हमारी बनती है, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर इसको ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हरे धनिए से हम इसको गार्निश कर देंगे। ये सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, अब ढककर 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको।
ये आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस हमारी सब्जी बनकर रेडी हुई। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।